अध्याय 9 पर वीर प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम आज। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, प्रथम पद कितना दे रखा है हमें? 1 दे रखा है। तीसरे एवं पांचवे पदों का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमें मिला जिसे हमें करना है। तो हम देखते हैं तीसरे गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे और पांचवे पदों का योग कितना दिया है? 90। तो गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? A3 और A5। तो इसका हम सूत्र लगा देंगे गुणोत्तर श्रेणी का, AR3 - 1 AR5 - 1। तो AR2 और AR4 = 90। यहां पर हमारा A का मान 1 है, उसे भी रख देंगे हम यहां AR2 AR4 90। तो ये R2 आ जाएगा और ये R4 आ जाएगा = 90। R4 R2 - 90 = 0। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे कितना बचे? 1। तो R4 10 - 9 R2 90 = 0। R4 10 R2 9 R2 90 = 0। R2 हम कॉमन ले लेंगे, R2 + 10 - 9 कॉमन ले लेंगे, R2 + 10 = 0। तो R2 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R2 - 9 = 0। तो इसमें इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब साइड में देखेंगे R2 + 10 = 0, R2 - 10 जो क्या है? अमान्य है, अमान्य। अब R2 = 9 = 0, R2 = 9 और R2 निकाल देंगे तो +-9 लिखेंगे और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और सार अनुपात हमारा क्या आ गया? हमसे क्या पूछा गया था कि गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात क्या है? तो गुणोत्तर श्रेणी अतः गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात बराबर +-3। यही हमारा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।